नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। चाय की गर्मा गर्म चुस्कियाँ किसे पसंद नहीं, अगर आपकी इन यमी चुस्कियों में टेस्ट ऐड हो जाए तो क्या बात है। आज हम आए हैं इंडिया के पहले ग्रीन टी कैफे में। आइए देखते हैं कि ग्रीन टी कैफे हमें क्या सर्व कर रहा है और क्या है इनके नए कॉन्सेप्ट और आइडियाज जो उनको बाकी कैफे से डिफरेंट बनाते हैं। दोस्तों, आपने चाय पे चर्चा तो खूब सुना होगा, लेकिन आज हम बैठे हैं ग्रीन टी पर चर्चा करने के लिए। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करूंगी अमित जी से। अमित जी, मैं जानना चाहूंगी कि इम्यून टी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसका इंस्पिरेशन क्या है? तो कॉन्सेप्ट ये कुछ ऐसे शुरू हुआ, डॉक्टर साहब चाय नहीं पीते, जो हमारे घर में जनरली बनती है दूध वाली चाय। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो मैं भी चाय थोड़ा सा पीना शुरू करता हूँ, लेकिन मैं दूध वाली चाय नहीं पीऊँगा, मैं तो ग्रीन टी पीऊँगा, क्योंकि वो ग्रीन टी थोड़ा हेल्थ की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता है उसका। तो डॉक्टर साहब ने अपना जा कर के बाहर से एक शीशे ग्रीन टी का लिया और उसको जो प्रक्रिया होती है ग्रीन टी बनाने की, उसके थ्रू बनाया। अब वो उनको बिल्कुल भी पैलेटेबल नहीं लगा, वो जो उसका टेस्ट था वो बहुत ही थोड़ा सा कड़वा टाइप का, जो जनरली हम भी फील करते हैं उस तरीके का टेस्ट था। तो इन्होंने अपना सोचा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। अब ये शुरू हो गया उसकी प्रोसेस में कि इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इसी ग्रीन टी को पीते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं पी पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा हर किसी को पसंद नहीं आता है। तो ये शुरू हो गए अपना उसके प्रोसेस में उसको इम्प्रूव करने में। सबसे पहले इसका जो, मतलब मैं बोलूँगा जो कठिन पार्ट था, इसका कड़वापन दूर करना, कि वो उस फर्स्ट फेज़ में इन्होंने उस प्रोसेस को कम्प्लीट किया। सेकंड में अलंकार जी ने थोड़ा लेमन उसमें ऐड किया, मिंट ऐड किया, फिर उसमें हनी ऐड किया, थोड़ा जिंजर भी, जिससे मतलब उसमें एक हेल्थ बेनिफिट भी उसको देने की कोशिश की गई। और ये कई फेजेस में हमने इसको शुरू किया। अब 4 या 5 फेजेस इसमें लगे होंगे, जिसमें हमने हर फेजेस में लोगों से फीडबैक लिए। हमारे फैमिली मेंबर्स भी आते थे, हमारे फैमिली से जो मिलने के लिए गेस्ट आते थे उनसे भी हम उनको भी पिलाते थे और उनका भी फीडबैक लेते थे। सबको काफ़ी पसंद आया। तो जब हमें ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ भी अब करने को रह गया है, तो हमने इसको एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप दी। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमारा है वो क्लासिक कॉर्पोरेट हमारा बना था। तो ये थी इम्यून टी की हाफ स्टोरी। अब आगे की स्टोरी हमें बताएंगे डॉक्टर साहब, तो बताइए सर कि आगे की जर्नी आपकी कैसी थी? जैसा अमित जी ने अभी आपको बताया कि हमने एक्चुअली पहली टी क्लासिक कॉर्पोरेट बनाई थी, जो कि हम रोज़ ही घर में अपने घर में पीते थे और लोगों को भी हमने टेस्ट करवाया। जब हमें इंटरेस्ट आने लगा इस चीज़ में, तब जो है एक दिन बैठे बैठे अमित जी और मैं डिस्कस कर रहे थे, तो इसकी वायबिलिटी पे डिस्कशन शुरू हुआ कि वाई नॉट के हम ये कर सकें कि इसको पब्लिक तक पहुँचाएँ। सेकंड पार्ट के भाई हमने सोचना शुरू किया कि और टीज़ कैसे बनेंगी। तो जनरल एक ओवरव्यू हमने सोचना शुरू किया कि जनरली लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जनरल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, कि जैसे कि डाइजेशन आपका प्रॉब्लम बन जाए, आपको जो है लॉस ऑफ एपेटाइट होने लग जाए, या जनरलाइज प्रॉब्लम के शरीर में दर्द हैं, या जो आपके मल्टीविटामिन्स होते हैं बेसिकली न्यूट्रिएंट्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएं। तो इन तरीक़ों से, इनको सोचने के बाद हमने ये टीज जो हैं वो सोची कि भाई ये इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है कि भाई कुछ जनरल प्रॉब्लम्स टैकल की जाएं और कुछ जो है न्यूट्रिशनल चीज़ें दी जाएं, सप्लीमेंटेशन काइंड ऑफ अ थिंग।
तो सर जैसा कि मैं देख रही हूँ आपके मेन्यू में बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव है और ये आपका मेमोरी बूस्टर है, स्ट्रेस बस्टर है, तो कैसे ये हेल्दी और टेस्टी को आपने कैसे मिलाया, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है और ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। ये इसका सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग आप इसे समझ लीजिए कि बेसिकली क्या है। जब पहली बार, जैसे अमित जी ने बताया था कि भाई मैंने पहली बार जब ग्रीन टी पी थी तो इट वाज दैट हॉरिबल कि भाई आई कैन टेल यू कि क्या हुआ था। तो बेसिकली जब मैंने वो चीज़ बना ली, एक बार क्लासिक कॉर्पोरेट बना लिया, उसके बाद फिर मैंने हेल्थ एंगल पे सोचना शुरू किया। और टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सब जानते हैं फूड इंडस्ट्री जो है वो एक ही चीज़ पे टिकी हुई है, वो चीज़ है टेस्ट। ठीक है, पूरी फूड इंडस्ट्री इसी चीज़ पे टिकी हुई है, लेकिन शायद हम पहले हैं जो आपको हेल्थ विद टेस्ट प्रोवाइड करें। तो हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि क्योंकि एक तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट इस तरह का है कि उसका अपना एक टेस्ट है, जो टेस्ट को कॉम्बैट कर पाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। बट हमने उस टेस्ट को लेके, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस किए हैं इसके अंदर, और वो इस तरह से किए हैं कि इसमें हेल्थ पार्ट भी बना रहे। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आपकी कस्टमर्स की फेवरेट चाय कौन सी है? अब ये आपने बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। आप एक्चुअली में एक आप किसी फादर से ये पूछ रहे हो कि उसके बच्चों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा फेवरेट है। तो ये जो टी हैं, हमारे जितनी भी टीज हैं, जैसे ये सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है किसी का भी, कि भी क्या चीज़ किसको पसंद आती है, सबका अपना अपना, क्योंकि ये टीज जितनी भी टीज हैं ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल एंटायरली अलग हैं, इनका एक दूसरे से कुछ लिंक नहीं है। तो किसी की कोई फेवरेट हो सकती है, किसी का कोई फेवरेट हो सकता है। कुछ लोगों को जिनको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, मान लीजिए किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम है या इस तरह की एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो डाइजेस्टिव और एपेटाइज़र ले सकते हैं। हमारे यहाँ जनरली जब गर्ल्स आती हैं तो वो रोज़ टी देखती हैं। हमने ये ट्रेंड नोटिस किया है कि उनको रोज़ टी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए उन्हें रोज़ टी पसंद आता है। सर मैं जानना चाहूँगी कि वर्ल्ड वाइड ग्रीन टी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और जनरली मैंने देखा है कि लोग ग्रीन टी तभी स्टार्ट करते हैं जब उनको स्टे होना होता है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? तो ये भी बड़ा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ग्रीन टी इज़ ऑल अबाउट स्लिमिंग, और आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ मिथ कि ये शुरुआत तो इसी तरह से हुई है एक्चुअली में, मार्केट में शायद मार्केटिंग की गई है इस चीज़ की कि ग्रीन टी इज़ ऑल अबाउट स्लिमिंग, कि ग्रीन टी पियेंगे तो आप जो है आप स्लिम हो जाएंगे। ये एक्चुअली में एक तरह का मिथ है कि अगर आप ग्रीन टी पियेंगे तो स्लिम हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें बेसिकली सबसे बड़ा कैच ये है कि इसका जो है हेल्थ पार्ट को इग्नोर कर दिया जाता है इस तरह से, लोगों को पता ही नहीं। लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट होके शुरू हो जाते हैं कि बस इसका मतलब है कि जो ओबीज है वो ही ग्रीन टी पी सकता है, बाकी कोई ग्रीन टी पीने की उसको किसी को भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्चुअली में गलत बात है। मुझे ये लगता है कि हमें जो है इसके हेल्थ पार्ट की तरफ ज़्यादा सोचना चाहिए बजाय के सिर्फ इट्स ऑल अबाउट स्लिमिंग। तो आप जब भी ग्रीन टी बनाएं, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसे बॉयल कभी ना करें, ठीक है? क्योंकि वो जो ग्रीन टी लीव्स होते हैं वो बड़े ही वल्नरेबल होते हैं, वो जैसे ही एक सर्टन टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं तो जल जाते हैं। तो बर्न वो जो लीव्स हैं वो किसी फ़ायदे के नहीं रहते आपके। दूसरी चीज़ है कि आप उसमें फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर मिंट ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर जिंजर ऐड कर सकते हैं, लाइम ऐड कर सकते हैं और हनी ऐड कर सकते हैं।
तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हम शुगर में आप क्या यूज़ करते हैं इसका मिठास बढ़ाने के लिए, आप लो कैलोरी यूज़ करते हैं शुगर या हनी, क्या है आपका सीक्रेट? देखिए मैं एक चीज़ तो ये है कि भाई मैं कोई भी शुगर यूज़ नहीं करता इसके अंदर, बिल्कुल भी मैं इसके अंदर हनी यूज़ करता हूँ। हनी इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हनी जो है वो समयोगवाही है। समयोगवाही का मतलब है वो चीज़ जो अगर किसी चीज़ में मिलाई जाए तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस कर दे, ऐसी चीज़ को समयोगवाही बोलते हैं। तो हनी जो है वो जिस भी चीज़ में डाला जाएगा वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस कर देता है, दैट्स वाई हम इसे यूज़ करते हैं। दूसरी बात है ये बिल्कुल नेचुरल होता है तो इसलिए बहुत बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए, ये तो सभी लोग जानते हैं। सर इसमें टी है आपकी है यमी टी, तो क्या ये मतलब बच्चों के लिए बनी है या फिर इसका स्वाद बहुत टेस्टी मतलब बहुत अच्छा है, क्या है इस यमी टी? आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है, ये तो मैं आपको मानना पड़ेगा मुझे कि भाई आपने ये अंदाज़ा बिल्कुल सही लगाया है कि यमी टी जो है वो एक्चुअली में बच्चों के लिए ही बनेंगे। वो हमने एक्चुअली में इसमें कुछ भी बच्चों के लिए नहीं था, ठीक है, तो हम जब इस पे सोच रहे थे तो हमें लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में किड्स भी हमारे उसका पार्ट हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। अब तो इसलिए हमने जो है उसके अंदर ये सोचना शुरू किया कि भाई बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए भगवान की दया से क्योंकि बच्चे तो वो एज जो होती है उसमें बीमार होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो बीमार वाला तो पोर्शन आप मतलब वो चीज़ तो हम निकाल के ही सोच रहे हैं उसको। सर मैं जानना चाहूँगी कि आपके कैफ़े का नाम जो इम्यूनिटी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और थोड़ा सा यहाँ की जो टैगलाइन आपने सोची है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है उसके बारे में बताइए। बैठे बैठे एक दिन जो है हम लोगों ने एक उसमें बैठे हुए थे, आपस में डिस्कशन चल रहा था, तो अचानक से हमें ये नाम मिला और हम लोगों को लगा कि ये नाम जो है ये बिल्कुल परफेक्टली हमारे कॉन्सेप्ट के साथ मैच करता है, ये हमारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी करता है बिना किसी को ये बताए कि भाई इलेबोरेटेडली कि ये क्या चीज़ है, ये अपने आप ही ये कन्वे कर देता है कि ये क्या चीज़ है, तो इसलिए हमने ये नाम रखा है। ये सभी लोगों को पसंद आता है जैसा आपने बोला कि ये इंटरेस्टिंग है, तो इस वजह से हमने इसे चूज़ किया है। क्या सोच रख के हमारे पूर्वज चीज़ें करवा रहे थे, मतलब उन्हें हेल्थ का कितना ध्यान था, ये आप इस लाइन को सुन के इस लाइन का मतलब जान के आपको पता लग सकता है। ये लाइन है चरक संहिता में लिखी हुई है, प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका अर्थ है आयुर्वेद का उद्देश्य है और इम्यूनिटी का भी कि स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा हो और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, रोगियों के रोग का प्रशमन यानी निदान। अलंकार जी डॉक्टर हैं और आप अमित जी पेशे से इंजीनियर हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये इंजीनियर और डॉक्टर का मेल कहाँ हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है वैसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। वैसे ये रिश्ते में मेरे साले साहब हैं और मैं इनका चीजा हूँ, तो ये एसोसिएशन हमारी सिर्फ बड़ी सिंपल है, वेरी सिंपल है कि हमारी ऐसे बनी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ग्रीन टी तो बन गई, अब इसको कॉमर्शलाइज करना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में मोर ओवर अबाउट लाइक 14 to 15 years मैं इसमें रह चुका हूँ, प्रोफेशन से मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का आइडिया है। मैं काफ़ी बार्स में मतलब आया हूँ, कैफे में इसमें आया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया रहता है। तो मुझे वैसे ही मेरे दिमाग में एक छोटी सी पिक्चर थी कि मुझे वो कैसा बनाना है,
तो फिर हमने आपस में बात की, हमने कहा कि ठीक है मैं इसको कमर्शलाइज, हम इसको कमर्शलाइज कर सकते हैं। सर थोड़ा इंटीरियर के बारे में बताइए कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कैसे डिज़ाइन किया, कहाँ से आप इंस्पायर्ड हैं और ये मतलब डिज़ाइन कहाँ से आया है? देखिए सबसे पहली बात है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एरिया से हूँ, जहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग मैं नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी हम थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग करते रहते हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है कि आपको कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना सबसे पहले अपने दिमाग में करना है। जब आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसके बाद आप उसको एक रूपरेखा देनी शुरू करते हैं। आपका मेन्यू का डिज़ाइन क्या होगा, वो कैसा दिखना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या होंगे, आपके किचन का डिज़ाइन कैसे होगा, आप रैक कैसे रखेंगे, आप अपनी जो दीवारें हैं उस पर आप क्या लगाओगे, ये मतलब बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। पहला आता है डिज़ाइनिंग, सेकंड आता है कि आपको अपने इंटीरियर में आपको मटेरियल भी चाहिए। अब वो जो मटेरियल है उसकी सर्च में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको ब्रांडिंग करनी है अपने जो भी आप मटेरियल बनवाओगे उसमें ब्रांडिंग करनी है। और क्या होता है, जब आप एक स्टार्टअप होते हो, आप सेल्फ फंडिंग के थ्रू आते हैं, तो आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट शायद नहीं होता है कि आप मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाएं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको एक, जैसे कि आप अगर आप कप भी बनवाने जाएंगे अपनी ब्रांडिंग को लेकर के, तो आपको हो सकता है मिनिमम 50,000 से 1,00,000 कप्स आपको बनवाने पड़ेंगे। तो ये जो सर्च थी हमारी, ये दिन रात चली और कुल मिला के 20 से 25 दिन हम एक छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढने में लगाते थे। एक डिज़ाइन को, पूरा एक डिज़ाइन को एक फ्रेम में रखना है कि हम अच्छा इसमें यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको वैसे करेंगे, तो पूरा हमने उसको पूरा डिज़ाइन करके उसी रूपरेखा में जो हमने सोची थी वो हमने इसको पूरा किया। और ये पूरा हमें 2 से 3 महीने टोटल हमें लगा है। सर मैं जानना चाहूँगी कि ये आपने कैफ़े कब शुरू किया है और आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कैफ़े पूछो तो कैफ़े तो हमारा वैसे साल भर पहले ही शुरू हो चुका था, हमारे दिमाग में शुरू हो चुका था, हमारे दिल में शुरू हो चुका था, मन में शुरू हो चुका था। जिस दिन से अलंकार जी ने हमारी पहली चाय क्लासिक बनाई थी, उस दिन हमारा कैफ़े शुरू हो चुका था। हालांकि पब्लिक के लिए ये जो ओपन हुआ है, ये अभी एक महीने पहले ही हमने यहाँ से शुरुआत की है। अलंकार जी ने आपको बताया था कि हमारे पास, हमने ऑलरेडी इतनी हेल्थी टीज बना रखी हैं, तो कुछ टी ऐसी हैं जो पब्लिक देखना चाहेगी और वो अभी पाइपलाइन में हैं। तो देखा आपने ये ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट कितना यूनिक है और इम्यूनिटी से कितने अच्छे तरीके से लेकर आई है। तो अगर आपको भी हेल्दी और एक्टिव रहना है तो आप भी यहाँ आके ग्रीन टी ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, इंडिया के इस पहले ग्रीन टी कैफ़े में आना ना भूलें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।